मेरे पास कोई गिद्दर सिंह ही नहीं है, मैं स्पेस बॉय हूँ, मेरा कोई अबू एमएनए नहीं मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मायसेल्फ हाफिज़ समर मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप इनसाइड। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा छोटी सी नन्ही सी शख्सियत, उन्होंने हाफिज़ाबाद PP78 से इलेक्शन लड़ा और MPA की सीट के लिए मुंतखब हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, आप मुझे अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएं कि किस तरह आपने जी MPA का इलेक्शन लड़ा। जी मेरा शौक ए बचपन तो शौक है, ए मैं जी छोटे होंदे शौक मेरा शौक है, असी स्पैर पोगा ते कोई मेरा खानदानी सियासत का शौक रखता, ये मैनू शौक सी। ए मैं निके होंदे स्कूल दे विच वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़िया, पूरे स्कूल दे विच दो कैंडिडेट खड़े किए और मेरी वोटिंग हुई और मेरे नाल दे कैंडिडेट की वोटिंग हुई, उत्थों मैंने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जितया। उस तो बाद 2014 दे विच मैं हाई स्कूल पिंड कोट सरखां दे विच उत्थे ए चेयरमैन का इलेक्शन लड़िया और कैंडिडेट खड़ा किया, स्कूल की वोटिंग की, उन्होंने नाल चेयरमैन का इलेक्शन जितया। और मेरे जो लीडर ने MNA चौधरी शौकत अली पट्टी और बुरे दड़ा ग्रुप, उन्होंने नाल मेरा जी MPA की इलेक्शन के नाल मुकतब होया। मैं उन्होंने कोल गया, जरा सी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये मेरे कोल सनखां तक मेरी पहचान रही। तो उस तो बाद जी जरा मैं MPA का इलेक्शन लड़िया, ये मैं गया अपने लीडर को MNA चौधरी शौकत अली पट्टी को, उन्होंने को टिकट ली और उन्होंने सपोर्ट के नाल उन्होंने मशवरे के नाल ये MPA का इलेक्शन लड़िया और पूरे कोर सनखा जिला हाफिज़ाबाद चैलेंज किया, चैलेंज करके ते अपना इलेक्शन जितया। इंशाल्लाह मेरे लायक जड़े भी कोई मेरे भा मेरे दोस्त भाई जड़े भी होंगे ने, मैं उन्होंने अच्छा पूरी गल। आपने सर बताया कि आपको जो बुर्जदारा ग्रुप है उन्होंने सपोर्ट किया, फिर आपने इलेक्शन लड़ा और आपने इलेक्शन जीता, थोड़ा सा आप जरा अपनी कंपेन के बारे में बताएंगे। जब इलेक्शन लड़ा फिर आपने किस तरह ऐसी कंपेन की कि लोगों ने आपको जाना और आपको फिर उसके बाद आपकी बात के कन्विंस होकर आपको उन्होंने वोट डाला, तो अपनी कंपेन के बारे में बताएं कि जो जलसे जुलूस आप अटेंड करते रहे, जाहिर बात है फिर करने भी पड़ते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जलसे जुलसे जरे पंजा पिंडा दे विच मेरा इलेक्शन होया सी, पंजा पिंडा दे विच मैं अपने पंज पिंडा दे विच दिन रात मेहनत की, जलसे किए ते हर अपने कैंडिडेट नु मिले अच्छे तरीके दे नाल। पिंडा दे अगर नाम तुसी दसना चाहो ते पिंडा दे जरावां वाला कोट सनखा खंजर बंजर चक दीवान इन्हां दे विच मैं इलेक्शन लड़िया सी। इस पंजा पिंडा दे विच मैं जलसे कीते ते अपने अच्छे तो अच्छे कैंडिडेटां नु मिलिया, उन्हां दे हलके दे मसाइल जो भी कम कीते उन्हां दे वोट उन्हां को लई। और अज भी मैं अपने डेरे च 24 घंटे जोड़ा भी भाई मैनू कहिंदा कोई भी काम मैं इंशाल्लाह पूरे अपने लीडर पट्टी दे कोल होण वाला होवे ओह भी करवा के दिंदा, जिहड़ा मेरे कोल होण वाला होवे ओह भी करा के दिंदा दिन रात ड्यूटी। सर आप जाहिर बात है अवामी लीडर होना पड़ता है तभी अवाम आपको पहचानती है और आपको वोट डालती है, तो आपके पास क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि लोग आपके दीवाने हो जाते हैं और आप लोगों का काम आसानी से निकलवा लेते हैं। मेरे पास कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, मैं स्पेस बॉय हूँ, मेरा कोई अबू MNA नहीं, मेरा कोई खानदान MPA MNA नहीं, मैं ही अपना इलेक्शन लड़िया अपनी मिनी शौक है, अपने हल्के वास्ते कोट सनखा का नाम रोशन किया, हर जगह ते मेरा नाम एक ते इंशाल्लाह मैं अपनी कंपेन करके अपने वोट इंशाल्लाह अगू MNA का इलेक्शन लड़ांगा ते पूरे हाफिज़ाबाद में चैलेंज करांगा। ते मेरा MNA भी अली अलमास वान और MPA मलक नुमान दीवान, असी कोट सनखा दे मीटिंग की, असी इलेक्शन लड़िया अपने कोट सनखा जिला हाफिज़ाबाद का नाम रोशन किया, पूरे MPA का इलेक्शन लड़ के पूरे हाफिज़ाबाद अलहमदुल्ला मेरा नाम है। अगे जरा मेरा इलेक्शन से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन वो मेरे कोट सनखा तक से मेरे चेयरमैन मतलब वीदाबान तक से, हूँ जरा मैंने MPA का इलेक्शन लड़िया है ये मेरे लीडर MNA चौधरी शौकत अली पट्टी की सपोर्ट के नाल जितया है, उन्होंने सपोर्ट के नाल सारा कुछ किया है, जरा मेरे को कम ना आए वह मैं अपने MNA चौधरी शौकत अली पट्टी को करवाना, हर बंदे जवाब नहीं दिता जिसलै कोई आवाज़ मारता जोड़ा भी भाई मेरे को मैनू जिन्हें वोट नहीं भी दी वह भी मेरे को आए मैं कम करवा के दिता, जोड़ा कम ना भी होने वाला हो भी करवा के देता। जे वो इलेक्शन नहीं है कि MPA MNA ये खुफिया इलेक्शन है, पूरे मुल्क में ऐसा इलेक्शन नहीं होता।